राम राम जय गुरु बाबा। इंडिजिनियस टेलीविजन से प्रसारण हुना थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बा दर्शक कबिला आपने हे साथ में मई बाटू सरला चौधरी सद अस आसफेमय एकजान अतिथि लेकन अपने माजमना आशिया कल बाटू जे थारू आधुनिक तथा लोकगीत संगीत के माध्यम से एकदम चर्चा कमा सकलक जो मिस्टर नेपाल 2015 के थारू पहलो प्रतिस्पर्धी फे हुई ओ मिस्टर नेपाल मल्टीमीडिया से अवार्ड फे पा सकल बाट त उहाँक बाट बटवाई बेर उहाँ चाहे विभिन्न खालकन कहीं न लोक तथा पप आधुनिक गीत में से चाहे उहाँ चर्चा कमा सकल बाट एकदम मजा मजा गीत फे गा सकल बाट संगीत फे दे सकल बाट वस्तकन अभिनय में फे उहाँ एकदम पोक्ट बाट त उहाँक मुख्य मुख्य कहीं जस्त कि एकदम चर्चा कमा सकलक एक थो बिस्ताई नहीं सकना सकुनक मुँह में पक्क फे झूलल हुई ये गीत चाहे लागी तो लागी कलतर भर रुपया कना पक्क फे ये गीत कह बेर चाहे अपने हुकर जान सकल हुई भी कि उहाँ के हुई तो कहके हमारा वहाँ ना आज कार्यक्रम में बोला सकल बाटी वहाँ से ना हमारा रमाइलो बातचीत करने बाटी तो स्वागत करी कार्यक्रम में वहाँ ना राम राम स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। हाल खबर चाहिए का बा अब चाहिए कहाँ व्यस्त बाटी अपने। हाँ एकदम मजा बा अब भी चाहिए मैं काठमांडू आई लोटू अब अपने से बात के ना हमारे अफसर जुड़ल बा मोर बसाई से गाँव में हो मोर घर गढ़वा गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 पचुहिया दुखुरी हो है लुम्बिनी प्रदेश हो हजुर हाँ रिकॉर्डिंग के क्रम में काठमांडू आइलो काठमांडू में शूटिंग के काम फिर रहे अब भर्खर फे अपने चाहे शूटिंग में व्यस्त रही पर ऊ गीत चाहे कौन गीत का शूटिंग करती रही अब सीमन चौधरी उनका ओरिजिनल नाम से गंगाराम चौधरी हुई गंगाराम चौधरी वो संगीता चौधरी की आवाज में रहल गाना रहे ठक्के याद नहीं आये गाना टुक्का चाहिए है ना लेकिन गाने से एकदम मजा आया हाँ। उसे कीर्तिपुर में शूट के गिल वो गाना चाहिए खास करके कसिन खालक गाना कहीं ना जैसा कि लोक पौराणिक हो कि आधुनिक हो कि वो गाना आधुनिक गाना हो आधुनिक गाना में थोड़े से लोक पैटर्न फिर समायोजन कर लिया बता तो वही है चाहिए खिचड़ी टाइप के गाना कहे पर अपने चाहिँ अब कहीँ न मै सुरुवाती अवस्था पर जाइ चाहतु कि अपने चाहिँ यी गायन क्षेत्रमा चाहिँ कहिया से लगली गायन क्षेत्रमा अब यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मै धेर वर्ष नै भयो लगभग 3-4 वर्ष भयो व्यावसायिक रूपमा अब ओकर आगे मै डुसुर अपन एकठो मोरिक जब रहे हैन कार्यालयमै आइना जैना दौडधुप ऊ काम करती रहूँ तो मैं कलाकारिता विधा में लागे नहीं सेकट हूँ फूली रूप में लेकिन मैं कलाकारिता में कसिक प्रवेश कैलू कहे बेर चाहिँ एक श्रेय से मैं नंदू राज चौधरी देख जाटू जे चंपन सांस्कृतिक समूह के अध्यक्ष विधा वहाँ चाहे मैं चितवन में बैठू पहले मोरिक दादू दीप प्रकाश चौधरी वहाँ संगीत बैठू ते मोरिक चाहना संगीत रहे है ना मैं चितवन में बैठू ते मोरिक दिमाग एक तो मोरिक चाहना वो जाके मोर बैठाई के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तब मैं यहाँ बैठ नहीं सकता अब मैं प्रभाती की एरिया में रहूँ अभी फिर प्रभाती कॉम्बिनेशन हो बाबे है ना तो वहाँ में जो सब एक तो संगत नहीं मिले मैं संगत के खोजी में रहूँ तो एक तो डिप्रेशन में गई लग फील हुए तब ये चीज़ से मोर दादू अनुभव करे और एक मजला दादू तब उसे नंदुराज चौधरी से फिर बात की ला भेट करा देला दादू अपने दादू चाहे भेट करा देला जैसा कि अपने रुचि और ओवर आप बाटी चाहे अंतवर बैठल भैया रुचि चाहना देख कर चाहे वहाँ नंदू जी है चाहे अपने भेट करा देला अब नंदुराज जी फिर मैं ये जन ले रही थी एक चाहना असीन टाइप की तो मेरे वो कारण ले कंटेक्ट हुई करीन अनि मैं फिर वहाँ बैठे नहीं चाहना मैं तब पाँच से 2000 लगभग 66-67 साल और मैं काठमांडू आइलू हजुर वो गीत के लागजो ना गीत के लागजो आइलू यहाँ बैठना पढ़ल करम कुछ काम फेन करम है ना तब कई म पढ़ी अपने उ बेला मैं भक्कर प्लस 2 क्लियर के लेर हजुर प्लस 2 क्लियर के की अब यहाँ बैचलर ज्वाइन होके कुछ काम फेन करम हमरे एक तो सामान्य परिवार के मने है ना म्यूजिक मेकिंग लाग के फेन अलि कर रहे उ बेला है ना तब उ कारण ले मैं काठमांडू में आई तब यहाँ आके 67-68 साल और हमरे जुनेलिक आस्मी का एल्बम नेपाली निकाली थारू जुनेलिक आस्मी हजुर उ चाहिँ हमारी सिकारू एल्बम रहे है ना
अब नन्दुराज चौधरी के जो प्रस्तुति रहन हमें सर्वहित समाज नेपाल कना संस्था के ब्यानर में उगाना रिलीज कर लिया हजुर तब उगाना अब देखो चाहे अपने पहलो गाना रहा वो में से मोर दुई तीन ठो गाना समय बेस हुई रहे वो चाहे मोरी पहलो गाना रहे पहलो एल्बम रहे है ना वही मका ये जुनेली कास्मक गाना गा का सुना दी पहलो गाना पहलो गाना सुने रजो मैं लाज लगा थे ना ठीक है मैं तुहारे गीत हूँ तुमर हुई तो सरगम मैं तुहारे गीत हूँ तुमर हुई तो सरगम जुनी जुनी सैयौ जुनी खैबी बाचक सम जुनी जुनी सैयौ जुनी खैबी बाचक सम मै तुहार गीत हूँ हो इटाके गाना तरा मजा गीत सुरु अमा ई गाना चाहिँ शब्द क्या कर रहा ई एकर शब्द खुशी राम चौधरी कना एकठो मोरसँग लिखले रहे संगीत चाहिँ मै खेले रहौ संगीत चाहिँ अपने भरल रहि ई गाना मा सुरु अमा अत्रा मजा गीत गइली सुरु में ई गाना अब सिकारु रहे सुने बेर म्युजिक वटर बुस्ट नै हो लेकिन हमरे ई चीज बहुत सिकाइ कैना सुरु मना ई गीत अपने गाक निक्र बेर चाहिँ अपने न कसिन लागल रह ई गाना गाएर त कर लागेको थिएन स्टुडियो में यस चाहना मोरी पूरा हुई था कि जसिन अनुभव हुई बहुत खुशी लागल हजुर तब ओकर बाद चाहिँ कार्यक्रम में इन्भोल्भ भइल कैन हैन मनिसे बातचीत कैल हैन अपने चाहिँ ओत्रा गीत गाइना इच्छा रहन जबकि ई गाना रेकर्ड कराए पैसा बेर चाहिँ उ बेलक अनुभव चाहिँ कसिन रह अपने उ बेला त हाम्रो जीरो लेभल में रही हजुर अभिन तक नर्मली मनै पैसा नै रहल मनै गाना अपन तरिकाले गएन एकदम कर्रा भयो होइन प्रतिभा है हाम्रो देख्थी लेकिन उहाँ लोगने कसिक उजागर कैदिन हो ऊ चिज के क्षमता सबकेमै नै रहत एकठो भाग्य फेन हुई परत होइन से एकठो भाग्य फेन कहे परल भाग्यवान सुनन्दु दाजु सबको लगानी कैदेला होइन त्यो थोर थोर सजिलो हुन्छ क्या पहिलो पहिलो तब ओकर बाद चाहिँ एक्सपोन्सर मिल कैला रेकर्डिङ हुइति जाइ त काम हुइति जाइ त जस्तो कि स्टुडियो भित्र रेकर्ड कराए पैसा बेर कसिन लागल रहे ए उ भित्र पैठे बेर हजुर भित्र पैठे बेर गीत गाई बेर कहिन सुरु म गीत गाई बेर ऊर्जा कसिन रह अब टिभी मे भिडियो मे देख गेल रे हैन ई पाले पाल र लग फोंगे फोंग र लग कोठा हजुर कोठा हैन ओकर बाहर एकठो कन्ट्रोल रुम रहना भित्र चाहिँ एकठो माइक थरिहाल रहना कान एकठो इयरफोन लगा के गाइबेर छुट्टै मेरो अनुभव हुई क्या ओहो मैले थारू समुदायको राजा हिटो जस्तो न अनुभव हुई ऊ बेलाकै वर्षक रहली आफ्नै ऊ बेलामे मै कै वर्ष लगभग 20-21 वर्ष 20-21 वर्षको उमेरमा कहिन एक ठाउँ मैया प्रेम के झल्कैना खालक गीत थिए रह ओसिन खालक गीत गाइबेर चाहिँ अपने हैन कसिन लागल रह एकदम खुसी लागल हैन मै आस्ते आस्ते गाना मिलल गरे गाइल गरु जसिन अनुभव हुइल कागर की हो गाना जो हाम्रो इन्हे ई क्षेत्रमे लग्न प्रेरणा देहल देहल ओ गाना उही से अगाडि जस्ता आप ऊ गाना गैना से फेर अगाडि अपने लड़कहे म कहीं ना अथवा स्कूल लेवल में ना उ बेला गाई की ना आपने उ बेला मैं गाऊ बहुत गाऊ मैं स्कूल में फिर गाऊ स्कूल में फिर मैं सीन ले रही थी इलौरा गीत गई था कहीं इलौरा गीत गई था कहीं सब मैं गोबडी हो स्कूल में गई तो गोबडी स्कूल में मेरी सर लोग हीरा लाल सर कुलचंद्र पौड़ेल वहाँ लोग से मैं एकदम इंस्पायर किया क्या लग बाबू गीत गाउन पड़े वटने गिल नाइ मैं डायलग फिर बोलू क्या अनि कार्यक्रम फेन चलाइन काम गर हैन ते हरेक कार्यक्रम में वहाँ लोग जो नै तिमी कार्यक्रम में सहभागी हुनै पर्छ के हजुर हौसला दि कला से अपने छुट्टी में से गीत फे गई थी आई छुट्टी में से गीत छुट्टी में सबसे छुट्टी में कहीं ना स्कूल स्कूल में ना गीत सुने लग और झन गीत सुने लग बेला चाहे अवस्था कुन अवस्था रहो अपने एक चाहे केही सुनैल रहल हिज जस्तो छुट्टीमा रठा निकाउनु मस्त रहन आप आफन सङ्घरेन सुनैलक अवस्था ठाक अपने चाहिँ केही सुनैल रहल हिज सुरुमा चाहिँ छुट्टीमे सुरुमे चाहिँ अब गाउँघरमै त गाना गाउँछ गाउँछ हैन त्यही धेरै घाँस काट्दै जाइबेर गाई हामीले घाँस काट्दै बेर
मैं यदुलाल चौधरी का नाम एक दादू पर्थे का कक्षा वहाँ हेमंत चौधरी हमारे एकदम जिगरी रहने का हेमंतराज चौधरी हमारे घास काटे जाए थे वही मैं सुनाऊ तब मैं मोरी यदुलाल चौधरी का ना दादू एकदम हौसला देने का तीन चाह गाना स्वर मजा बा तब ये क्षेत्र में लगे पल और मजा मजा लिखती जा गईती जा कहे तब काठमाडौँ अइलुटे ओइनीसँगै जो बैठे लाग्लु नन्दराजिनकी सँगे अनि उहाँ लोगनसँगे गाना जौन फेन लिख्थी कि ओइने जो सुनाऊ तब स्कुलमे फेन लड्कन हे जुत्ता के एकठो बन्द कोठामे कोठा सक्कु बन्कै झ्यालो बन्कै उठे तर चाहिँ मन काट्न त्यो कोठा होइन अनि गाना गायो खुब मजा सुन्छ अनि गाना झ्याम झुम ढोका बन्द के गाना गिन लड्कन थान अनि ओइने ओहो कस्तो गायक जस्तै आवाज आइरहेको छ गाना गाइबेर परिवार के सपोर्ट यी चाहिँ एक ठो प्रब्लम हो होइन हाम्रो समुदायके एक ठो कहीँ न एक ठो सामान्य परिवारके ओहिने चाहिँ अपन लड्कन हे मोरिक छावक ट्यालेन्ट मोर छाइक ट्यालेन्ट यी हो के हालि नै पक्रे सकेको होइन पकड़ले महत्व नहीं देना हो महत्व नहीं देना अब शायद अब एक ठो पारिवारिक मजबूती फैन हो शायद मोर परिवार में छठी में ई लौन म्यूजिक फील्ड में कुछ करी कह के मही ओहे मेरे के सपोर्ट करत कले से करता कले से शायद मैं और आगे जीतूं लेकिन हाँ लेकिन मही गौरव लागत कि मैं ई क्षेत्र में अपनी ही कुछ करम कह के मैं अपनी ही अपन से लड़ के आगे बढ़लू है ना परिवार के साथ भी न तो कहाँ आगे बढ़ सक जाए जिस मैं अपन लग ई क्षेत्र में कुछ करम कह के आगे बढ़लू थे मोर परिवार फैन मही सपोर्ट देला परिवार के सपोर्ट अब दाई बाबाको सपोर्ट मजा बा दाई बाबाको चाहिँ कहाँ बाट अब चाहिँ मोर बाबा चाहिँ एक्सपायर हो किला हैन से 2-3 वर्ष आगे मोर दाई चाहिँ घरै बाट गाने इयरफोन सुनाते हुए है वो अपनी अपनी हासत है ना मां मजा बनले बटेर छ भनेका से खुशी लागत मैं फेन अस्ति अनुभव भइर कि फेन से दुसुर गाना रेकर्ड करू अस्ति के अपन दाइ सुनाइ सुनाउ कइ के ना से परिवार से उ जाके म दाइ बाबा बाद मुरिक दादुन के फेन मै सपोर्ट कइले हो संगीत के गीत संगीत के क्षेत्र में लग्न ओतरा कर नहीं पड़ल पक्का फिर संगीत अब ये एक संघर्षी क्षेत्र संघर्ष तो अब हरेक बेला हरेक पाइला में रह नहीं तर फिर एक ठो रठानी जिनकर कना अब ओसिन खालक ऑब्जेक्शन ऐना परिवार से रहत ओसिन खालक चाहिँ अपने हन नहीं हो ऐसिन हो ये क्षेत्र में आउटपुट एक लागे नहीं देखा पड़ा एकदम का कहे पड़ो ये प्रतीक्षा करे पड़ना प्रतीक्षा करे पड़ना हो ते प्रतीक्षा के फल हाली नहीं पहले से परिवार अक्टे था जरूर ते मोर परिवार परिवार फैन अब परिवार ते हर एक सदस्य अपन लड़का प्रगान के भविष्य हेर खोजत ते मही हे तई ई क्षेत्र में लाग के का पैबे कहिए सम गाना गेबे गाना गा के कसिक टोर गुजारा चली हां हां असिन कहिए अपने हे फिर परिवार से असिन खालक चाहिँ बातचीत आई हो हो ई बातचीत आइल हो जाके अब इन सम फैन आए थे कहिए सम गाना गेबे अब दूसरे कुछ और ओवर लाग असिन खालक आइट अपने स्वाभाविक रूप में आइन चीज फैन हो ना कागर की अब गीत संगीत के बाट बटवाई बेर खास कह के थारू समुदाय के कलाकार हुकन अवस्था चाहे गीत संगीत में लागन भविष्य कसिन अपने चाहे देखते अब भी तो बहुत मजा भाई पहले कर रहे स्टेज पहले फैन कर रहे स्टेज पहले से फैन थारू समुदाय के कलाकार है हमारी का आयोजक लोग थोड़े
हेल्थ ग्राही कहीं ना है ना आर्थिक रूप में फिर वही है थोड़े से कम पैसा देना पारिश्रमिक कहीं ना थे कम देना कम पारिश्रमिक प्रदान कहीं ना जाके देहरा शिष्टेज नहीं पाई ना गांव घर में थे आजकल लगभग 90% थारू गाना की बजट ना बजट हो ते वो हिसाब ले आप स्टेज प्रोग्राम हुई जैसे भी थारू कलाकार लोग ने नहीं इनवाइट किए गए ना ते जो अस्ते चलती बावे अनि अब्बे चाहिए अब एक ठो हमारी प्राविधिक रूप में फैन जैसे हमारी डिजिटलाइज के जमाना आ गया है ना डिजिटल के माध्यम से अनि यूट्यूब के माध्यम से फैन हमारे कलाकार लोग आर्थिक रूप ले मजबूत हुई थी बात हाँ महोत्सव में कार्यक्रम में फैन आजकल देर इन भाई तो इलाका कलाकार आने हैं पारिश्रमिक के बाद फैन पहला तुलना में जो अपन चाहना अनुसार के अपन डिमांड अनुसार के प्राप्त करे लग लगते हैं आजकल डिमांड अनुसार से आप ऐसा ही स्टेज में गए लसे गीत गए ल गायल बाप हर चाहे वहाँ उनका पारिश्रमिक पैटी बात है तो अब ऐसा ही एकदम साहस बा जो सब प्रतिस्पर्धी दुनिया में कुछ नया चीज से देह परल वस्ती है तो हमारे अपन डिमांड वो इन वहाँ लोग ने कहे नहीं सेगा भाई ना हमारी हमारी प्रॉपर्टी अनुसार जो डिमांड के ना हो गई तो जो अपन प्रॉपर्टी अनुसार अपन क्षमता अनुसार जो डिमांड करता वहाँ लोग ने जे ये मन परल बताइए अल्लाह ठीक सही के इनवाइट करती बात तो मजा आवे अब अवस्था सही मजा आवे हजुर हजुर कुछ नहीं थे अब वो इनके एक ठो कहीं ना गुजारा चलती बताइए जे होस् व्यस्त रहे इहर उहर स्टेज में नजाकर न महोत्सव में जाकर ऊ बेला चाहे जस्त अपने है अप्ठारो वसिन खाल परल अवस्था समस्या में परल अवस्था बाकी नहीं हो कार्यक्रम में गैलक बेलम तो वैसी समस्या नहीं आयल हो मही लेकिन अब ये चीज के दौरान में से बहुत समस्या आयल मैं भर्खर 2 वर्ष आगे 2 वर्ष से मार कोविड के आगे एक्सीडेंट हुए हूँ मैं कार्यक्रम धनगढ़ी कार्यक्रम मन से जो घूमे बेर भारी एक्सीडेंट रहे बाइक एक्सीडेंट हुए हूँ मैं बाइक में शायद निदा गिल हूँ तो मेरे दिमाग में चोट लागल गई काटे डॉक्टर है ना से जस कुछ पाइक लग कुछ घुमाई घुमाई परट जैसी ना बाप हाँ हाँ ते अस्ते हो भाई कभी अप्ठारो कभी खुशी है ना हो कार्यक्रम स्थल में चाहिए वैसी समस्या अभी नहीं पड़ रहा जस्ता अब ये हमारे कलाकारिता क्षेत्र है यहाँ बेर अब नेपाली कलाकार कनक लाग चाहे नेपाल सरकार से ना कहीं ना विभिन्न खालक व्यवस्था रहत तर थारू कलाकार कनक लाग थारू राजनीतिक दल हु चाहे ओसिन खालक कोनो व्यवस्था कई दिहल चाहे नहीं देख जाए अपने कसिन लागत एकदम दुखक बारे एकदम मजा प्रश्न पूछ ली है ना कहीं ना हरेक अभी तो अभी नहीं अभी एक ठो हमारी दुनिया जो संगीतमय भाग संगीत में डुबल भाव है ना हमारे सुख दुख के संग संगीत कौन फैन काम के थाल नहीं करेगा संगीत ये चीज एकदम जरूरी भाव कहीं ना चुनावी माहौल में फैन अवसरिक चुनाव में हमारे कलाकार लोग बहुत सहयोग कैला प्रयोग हुई लगे पर कलाकार फिर कोनो अपेक्षा कई ले रहा है राजनीतिक दल से अथवा सरकार से नेपाल सरकार से अब तर वहाँ लोग जब कलाकार के सपोर्ट पाके अपन पुगे पड़ने ठाव में गई ला ये एक ठो ठेबो जो हो नेता हरु माती गई थी सब ले बिरसिन सब के कुर्सी चाहे पाउनु पड़े वहाँ लोग चाहे बिसराइल हसलागा थे संगे हुई ले स्पेन वहाँ लोग एक ठो बात की गई था लड़की से इस तो कर सु तेस्तो कर सु तरह 5,000 का बिसरा डाल ओ 5,000 के बिसरा लेना ते वहाँ लोग चाहे हमारे इन्हें उपेक्षा चाहे कई ले बटा एकदम आप चाहे वहाँ हम कौन अपने चाहे कह कह चाहती वहाँ लोग ने हैसियत लेकर हो मैं चाहे कह कह चाहतू कले से अपने लोग गफ कील ना करी व्यवहारिक रूप में कुछ काम करी हमारे फैन अपने लोगों से कुछ पाइक लग अपने लोगों ने सहयोग के लिए है ना ते जो कलाकार हमारे एक ठो मानक भाषा की बात करती अपन कला संस्कृति की बात करती ते ये चीजें उजागर करूँगा एक ठो मुख्य भूमिका कलाकार फिर खेल ले बटा है ना हमारे समुदाय चिन्ह ना काम कलाकार फिर खेल ले बटा ते
अपन सभ्यता बचाए बचाई न बा कले से कलाकार लोगन फेन बचाई अपने के कुछ करी ठगना काम ना करी अत हाम्रो तिरति फे अब यी कलाकारिता क्षेत्रमा एकदम चुनौती फे बा कह परल खास कै किन कसिन कसिन खालक चुनौती चाहिँ अपनी हुक्र व्यवहार परलक अवस्था बा यी प्रतिस्पर्धी जमाना हो हैन हरेक काम सफल हुई कन नै रहत त्यो सुरुमै त चुनौती बेहोरे जो परत अब सुरुमै त हाम्रो अब लाव स्टुडियोमै एकदमै गायन क्षेत्रमा लागल भेल कुरसे हैन स्टुडियोमै पैठी बेर लावा कलाकार स्टूडियो मनन के कहीं ना व्यवहार है एक ठो दूसरा पार्ट हो गए मेन पार्ट चाहिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुई हमारे खान पैसा नहीं हो हम ते कलाकारिता फैन एक ठो सीप हो सीप ये चाहिए एक ठो पेशागत रूप में बदलना क्षमता सबके में नहीं हुई है ना कि तुमने मैं राजनीतिक बात के लिए ते उ कारण ले अपना भारी समस्या बा हुई ते अपने लोग फैन अब लाओ प्रतिभा है कसी आगे बढ़े ना हो अब हमरे रोजगारी सृजना गर्छौं कहके नेता लोग कठा है नेपाल सरकार रोजगारी के लग अनेक सीप सिकाए थे रे हैन ठकिया बिन सीप सिकाए साबुन बनेन शराब बनेन सीप सिकाए करोडौं खर्च गरा छैन तर यी संगीत फेरि एक ठो सीप हो हैन एक ठो मनै भित्र रहल सीप यी के झन् ओरिजिनल सीप ओरिजिनल सीप भगवान की देहल सीप होई ते यी सीप हे फेन अपने लोग सम्मान कैदी यी सीप सिखक लग फेन जस्ते कि अपने साबुन सरफ बनाए के लग चप्पल बनाए के लग पैसा फेंक थी लेकिन उस चीज व्यवहार में नहीं थे हमार गांव पालिका में हरेक वर्ष लाखों रुपये छुटे रह साबुन सरफ बना ढकिया बुनना लाई है ना हजार के कहीं ना एक ठो सयो मना ये चीज ये सीप प्राप्त कहीं था लेकिन कहीं थे व्यवहार में उतर लेता अभी तक हमारे हाथी के हमारे अभी तक विदेशी ब्रांड के चप्पल घल थी है ना अब ये चीज खोज ले फिर अपन ब्रांड ब्रांड के उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकती क्या गोल्ड स्टार बाहेक ते कौन चीज हमने चिन्ह ले थी है ना ते गोल्ड स्टार हस मजबूत हुई ना टाइप की एक सीप सिकाई परल की तो ते वही कहा चाहते कि एक तो कलाकारिता फिर एक तो शीप हो है ना वही है ना बाहर आना माध्यम बना दी माध्यम बना दी हमरे टे हमार तरफ से करती बटी हमारी जे लावा लावा कलाकार लोग बता आइना चाहना वही नहीं हमरे कसीक आगे बढ़े ना हो जे ये फील्ड में लागल होती वही टे अपन फील्ड में लगना मने इन जरूर सोचा भाई ना ते अपने इनकी फैन कलाकारिता के लिए कि हरेक क्षेत्र में इच्छा रहल मने ने शिप सिखा दी का चाहत में राजनीतिक दल सरकार लगाए राजनीतिक दल हो हन चाहिँ अनुरोध चाहिँ अनुरोध गर्छ त पक्का फे दशरण जी अब अपने चाहिँ धेर खालक एकदम मजा मजा गीत बाक परल एक ठो गीत चाहिँ अपने हैन मजा लगलक सबसे अपने गाइल भरि म गीत मजा लगलक गाना चाहिँ गाके सुना दिन सुरू में साली आई मेला हेरे जाए कना गाना बसंती दीदी से गई दे रही हूँ रहू है ना ये गाना फिर हम देर चर्चा कमाल कमाल हाजुर अपने चर्चा में अनलग गाना ये हो चर्चा में अनलग तो शुरू गाना शुरू आती है ना हमारे जुनेली के आस में कुछ मने चीज रख ले रही लेकिन साली आई मेला हेरे जाए ये चाहे दूसरा गाना कुछ हमरे इन्हें कुछ स्टेप चार चिन्हिना अवसर भेल जब लाइट लाइक कलत्तर वाले पियाए इल्क वो तो अपने है ना हाजुर हाँ एक तो हमरे ने ब्रांड बना दिया ते जे हमरे ने ब्रांड बनाया लू गाना से गायक सा ले लिया से बस गम अगिया रप बरना तू ही ने दिए खिजिया जरना आओ हो मोरगिया बुताओ सदा भर तुहारे पीछा परिना ऐसे नजरिया लगे हमर रूपनी हेरी के पियास भूखे मिटबो लागी ते लागी कलतर भारी रुपिया रूपनी बठिया नहीं छोड़बो ओहो हर लाग्यो मैनी बाजे एक तो फांडम दिठो 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 एकदम मजा गीत गाएको सुना दिली ये गीत के भाव चाहिँ खास मन का हो बता दिन
यी एक छ कलत्तर कलाक चाहिँ हाम्रो छ पिपक बक्सा हो हैन अब मै सुरुमा सोनु दिदी फेन यी गाना बात समझ सक्छ सोनु दिदी एक छ गाना लाइट लाइक कलत्तर रुपैया गाना शब्द भेटै देखि यी गानामा सोनु जी के अभिनय एकदम मजा भयो हां एकदम मजा त्यो उ चाहिँ अपन मस्तैली कना फिल्ममे डरना विचार हैन हजुर यी गाना गाके चाहिँ मै सोनु दिदी समझ सक्छ हातो सोनु दिदी चाहिँ मस्तैली कना फिल्म यी गाना हे डरना विचार के लेखे त लाइट लाइक कलत्तर रुपैया रुपनी बठी नै छोरम कना शब्द मही देला है ना भइयो इ गाना है पूरा कह दियो कह तब उ मै चाहिँ उ इस उ चलचित्र के स्टोरी पुछलु ओकर कथा का हो दिदी अनि उ दिदी अपन कथा के स्टोरी बटेला त्यो उ स्टोरी अनुसार मै गाना क्रिएट कइलु एकर भाव का आग्रह छ कलत्तर कला पिपक बक्सा हो होइन हाम्रो गाउँ घरमा पहिले प्रयोग गरी होइन यसले ढकिया राख्थे ए नै नै एकठो अलिकति गाउँ घरमा प्रयोग गरिथा नै अलिक छिलमिल कहा लवन्डी होइन ओकर अलग बनैलक गाना छलमल किनके अलग बनैलक गाना अपने गानामा चाहिँ कहीँ न एक थो आधुनिक खाल गानामा फे जो होस् टिपिकल पौराणिक चाहिँ शब्द एकदम ठारू शब्द लुकल बा हरेक शब्दमा कहीँ न तर यी पौराणिकको आधुनिकता चाहिँ तालमेल मिलेन कसिकन चाहिँ अपने सेक्लबाटी गाना भित्र चाहिँ अपने कसिन खालक देख जाइ यी चाहिँ मोरीको एक ठो विशेषता हो गए होइन टिपिकल शब्द खोजके आधुनिकता हो टिपिकल शब्द खोजके कल्चरल गानामा एक ठो लोक गानामा आधुनिकता मिलेन मै त्यो हु बहु टिपिकल लोक गाना क्रम गरेपछि त्यो मही नै चिनि मैले उही त कुछ मोडिफाई गरे पर त जस गाउँघरमा अलिक फरक किसिमके पुरानो किसिमके कोही शब्द बोलत कलेसी ऊ चिज मै दिमागमा धैठु अनि मोबाइलमा टिप्ठु तब ऊ कोनो कथा सोच्छु तब यी मेरके शब्द हे असीम कथामे मिलाइम कहिके मै संगीत रचना कहिठु शब्द रचना कहिके संगीत अपने चाहिँ कहिन गाना केल गैना केल नहा कि एक थो संगीतकार फे हुइती ओस्तकन मोडल अभिनय कर्ता फे हुइती यी तिनै चिजसँग चाहिँ सँग लैजाइ बेर अप्ने कसिकन सम्भव फुल बा अप्ने हेर्न चाहिँ अब मोरिक त मेनली गायन क्षेत्र हो हजुर अनि मोलिङ क्षेत्रमा चाहिँ मै हे जब ऋषु जाने हजुर सर अपने खेले परल गई त्यो बेला चाहिँ मै मोलिङ फेरि गएको थिएँ सदाभरते साङ्गीतिक क्षेत्र एक दुसरे से जुझल होइला कोर्से होइन कम्बिनेसन होइला कोर्से अब गानाको फिल एक ठो मोडेल फेन बुझ्थ्यो गायक फेन गानाको फिल बुझ्थ्यो त्यही चिज सहजिले उटारिका के मोडलिङ गरे कहलाको त्यही सदाभर भोकल देखि फेन साध्य नै रह फुर्सद होइन तालमेल मिल्लक बेलामा सबको काम कहीँ न हाम्रो कोसिस गर्थ्यो हजुर अपने चाहिँ मिस्टर नेपाल 2015 के थारु पहिलो प्रतिस्पर्धी कहीँ फाइनल राउन्डसम्म पुगले पुग सफल हुले ऊ चाहिँ कसी के ओहिमा चाहिँ अपने प्रवेश गर्ल रहे मै चाहिँ अब मै अपने अपनी हे चिनाइ खोजु भने होइन मै कसी के मनै मही हे चिनि त मिस्टर नेपाल घाटी के मिस नेपाल हुए होइन मिस नेपाल ब्युटी पेजेन्ट अपन सौन्दर्य प्रतियोगी प्रयोग कहिके ओमे प्रतिस्पर्धा गरी त्यो उहाँमे मै सोचु कि एक ठो मोडलिङ फिल्ड हो लेकिन मिस्टर नेपालमा गेलु त एकदम फरक पहिलो उहाँले अपन इनर ब्युटी कहेर होइन भित्री सुन्दरता है प्रस्तुत कहिन अपन कला
क्षमता है प्रस्तुत के ना मैं जौन चीज सोच के गई मैं अपन अपनी कैसे चिन्ह है ना कैसे बोलना कैसे मरीन से भेटघाट कह के व्यवहार के ना वो चीज सीखक लग वहाँ प्रवेश कैलू मेन अपने अपने चिन्ह के लग प्रवेश नहीं हुई थी जो मैं फाइनल राउंड से पुगलू मैं मिस्टर नेपाल मल्टीमीडिया अवार्ड से सम्मानित सम्मान पाए कसिन लाल रहा अपने सम्मान पाइबेर भन्दा पनि मैं जब फाइनल राउन्ड में मैं सुरू के राउन्ड में प्रवेश कैलू ते एकदम खुशी लागल थारू समुदाय से गेल से जब मैं फाइनल राउन्ड में प्रवेश कैलू ते मोरी नाउ कर रहा न थे दोष हरण चौधरी दर्शक लोग दोष हरण कहे नहीं सी दूसरो समुदाय के फिर मनाई रही तेहरस थारू समुदाय से पाँच छः जाने जम्मा सहभागी फाइनल राउंड फाइनल होने ठाव में दूसरो सामुदायिक मन मही थारू कह के हुटिंग कर मोर नहीं नाव नहीं जान के मोर समुदाय के नाव लेके जे हुटिंग करता है उस ठाव में मही कसिन अनुभव हुई रहा वो चीज समझ के अभी तक मही गौरव लागर एकदम गर्वित फील हुई ते वो चीज सोच के फिर मही कुछ कही ना ये मिस्टर नेपाल मन चाहे जैकला का गुण चाहे हुई परत वही मना वहाँ एक तो लिमिट चीज टोकर रहा जैसे हाइट हुई जाके मेन टेप बोले सकने क्षमता हुई है ना व्यवहार हुई वो घर था तो वो कर हाइट उमेर वो सर्टिफिकेट घर था तब वो कर बात अंतर्वार्ता ले था अंतर्वार्ता है ना यो मानसे बोलना सक्षा कहीं के वो ने जब चीन था तो वो में सेलेक्ट हुई था हमार कार्यक्रम का निर्धय समय फोर आशियाकल जैती जैती हमार दर्शक का बिला हकन कोस कना बाकल से मनक बात कह दे शुरू में ते अपने ने देर दे धन्यवाद देख चाहतु कार्यक्रम में इनवाइट के लिए ना अब अपन मन की बात का कह चाहतु कले से मई दोष हरण चौधरी हुई तू मोर नौ नहीं जान देगी कले से अब मोरिक जतना फेन गाना आई सुन देवी मजा नहीं मजा प्रतिक्रिया देवी अपने इनके प्रतिक्रिया मई एक्सेप्ट कह के आगे बढ़ना कोशिश करम और मजा मजा पहुरा लड़ना कोशिश करम कह चाहतु दर्शक कविला हमार निर्य समय फिर ओरा सकल बा आजुक हमार पौनार कलाकार दोसरण चौधरी हमारा वहाँ से मीठ बातचीत कर ली ऐना दिन में फिर अस्त बातचीत लेकर ऐने चुबाटी तब चमकलाक मई सरला चौधरी लगात यहाँ रहल हमार कैमरा पर्सन भाई ओस्त कना हमार आजुक पौना दोसरण चौधरी हमारा विदा हुई राम राम जय गुरु बाबा।